अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, लर्न बाय अजमल खान यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। डियर व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमने कोर्स जो है वो शुरू किया हुआ है, तो इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है 2007 से 2016 तक जो है वो सीख रहे हैं उसको स्टेप बाई स्टेप। और इसको हम जो है उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। तो ये कोर्स जो है ये एक जो बिगनर लेवल से है वहाँ से शुरू हमने किया है, ताकि मतलब जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो व्यूवर्स पहले इसको सीखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, पहले से उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो भी बड़ी आसानी से जो है इसको कवर कर सकते हैं। और एक प्रोफेशनल लेवल तक जो है हमने इसको डिज़ाइन किया है कि ताकि आप बिगनर लेवल से स्टेप बाई स्टेप आपको प्रोफेशनल लेवल तक की भी जो टेक्निक्स हैं, जो तरीक़ेकार हैं, वो भी सिखाए गए हैं, ताकि आप अपने काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। ठीक है, तो ये कोर्स मुकम्मल तौर पे जो है वो फ्री है और बिल्कुल यूट्यूब पे लॉन्च, यानी जो है डेली बेसिस पे इसकी वीडियोस लॉन्च हो रही हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को देखें, अगर आपको इसमें अच्छा आपने कुछ सीखा है, कुछ अच्छा मिला है आपको, तो ज़रूर हमें अप्रिशिएट किया करें और अपने लाइक से और कमेंट की शक्ल में अपने जो है हमें फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। और इसके साथ जो है वो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं आज के कोर्स की तरफ। आज हम जो हमारा होम टैब है उसका लास्ट लेक्चर है। पहले होम टैब के दो लेक्चर जो है हमने कवर किए हैं, और उसमें हमने ये जो होम टैब है इसके जो ये जो सारे ऑप्शन हैं इन सब को डिटेल के साथ जो है वो हमने सीखा है। अगर आप अब ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं और आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो आप इसी मेरे चैनल पे जाएं, लर्न बाय अजमल खान ये जो चैनल है, और इसके ऊपर आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में वहाँ लर्न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कोर्स इन उर्दू एंड हिंदी इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और वहाँ सारी जो वीडियोज़ हैं आप स्टेप बाई स्टेप जो है वो वॉच कर सकते हैं। जो है चलते हैं अब आज के कोर्स की तरफ। तो आज हमने आपको जो सिखाना है वो ये पोर्शन जो हमारा स्टाइल का, और ये चेंज स्टाइल और ये फाइंड एंड रिप्लेस, यानी जो है ये वाले ऑप्शन रह गए थे, आज हम इनको कवर करेंगे। और साथ आपको अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो फिर इसके साथ कुछ आगे मज़ीद जो टेक्निक्स है वो भी बताएंगे। तो डियर व्यूवर्स, ये जैसे हमने ये लिखाई लिखी हुई है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट करने के बाद ये जो स्टाइल हैं, स्टाइल में यानी ये क्या है कि हमारे पास ऑटोमेटिक जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने बने बनाए कुछ स्टाइल दिए हुए हैं। ये जैसे जिस भी स्टाइल पे आप अपना माउस पॉइंटर लाएंगे वो स्टाइल आपको यहाँ लाइव प्रीव्यू में नज़र आएगा। तो आप अगर आपको यानी ये है, इसमें सहूलत यह है कि कुछ बने बनाए लिखाई के स्टाइल उन्होंने खुद ही हमें दे दिए हैं, तो अगर हमें इनमें से कोई भी अच्छा स्टाइल लगता है तो हम जस्ट एक क्लिक करके वही स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें इस लाइन पे ऊपर वही स्टाइल, वही सेम साइज़ हर चीज़ जो है वो अप्लाई हो गया। इस तरह ये दूसरी लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर हम कोई और स्टाइल अप्लाई करते हैं। ये जैसे देखें इसके ऊपर हमने ये स्टाइल अप्लाई कर दिया, और इस तरह हम ये तीसरी लाइन सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर हम इनमें से कोई और स्टाइल चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें जिस भी स्टाइल को हम चूज़ कर रहे हैं वो उसी तरीके से हमारे जो लिखाई है उसका स्टाइल वो हो जाता है। तो ये यानी इस तरीके से ये देखें ये सारे हमारे पास जो हैं वो स्टाइल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट सा तरीका है, बड़ो स्मार्ट सा वर्क है कि अगर हम यानी इनमें से कोई हमें स्टाइल अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि हमारी लिखाई का स्टाइल या फॉन्ट का स्टाइल इस तरह का होना चाहिए, तो हम इन स्टाइल में से बड़ी आसानी के साथ जो है कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो और आपको अगर आप इसको सादा मतलब जैसे पहले था वैसा करना चाहते हैं तो फिर आप इसको सेलेक्ट कर लें जिस जहां से भी वो स्टाइल ख़त्म करना चाहते हैं। और ये क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन आप इसको जानते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारा जो है देखिए टेक्स्ट दोबारा नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्टाइल का मेन्यू। उसके बाद हम चलते हैं जो है ये इस ऑप्शन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये चेंज स्टाइल का मेन्यू इतना अच्छा काम नहीं करता वर्ड 2007 में, जब हम दूसरे वर्ड के वर्जन करेंगे आपको लास्ट में प्रीव्यू देंगे, उनमें भी जो वर्ड में जो चेंजिंग आई हैं, मतलब 2007 के बाद 2010 में कौन सी चेंजिंग आई है, 2013 में या 2016 में जो भी चेंजिंग आई हैं वो हम इंशाल्लाह आपको एंड पे प्रीव्यू देंगे, ताकि आपको उन में भी काम करना जो है आपके लिए आसान हो जाए।
तो अभी आप फोकस करके इसी कोर्स के 2007 वाले पे फोकस करें, और अपने कंप्यूटर में भी 2007 वाला वर्ड इंस्टॉल करें, ताकि आप साथ साथ जो यहाँ से सीखते हैं आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें, और आप डेली प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो, और अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट की शक्ल में मुझसे वो बराह रास्त पूछ भी सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। इसके बाद ये फाइनल रिप्लेस की तरफ हम आते हैं। पहले ये हम इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर देते हैं ताकि वो नॉर्मल हालत में आ जाए। जैसे देखें यहाँ लिखा है, हेलो ऑल डियर ब्रदर्स, दिस इज़ माय थर्ड वीडियो एमएस वर्ड कंप्लीट कोर्स इन उर्दू हिंदी, ठीक है। तो ये हमने लिखा है, ऐसे फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारे पेज हैं, एक पेज भी हो सकता है, दो पेज भी हो सकते हैं, या बहुत सारे पेज हो सकते हैं, और उस इतने सारे पेज में बहुत सारे वर्ड भी लिखे होते हैं। तो अगर हम ऐसे किसी प्रोजेक्ट वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम उसके ऊपर हमने काफ़ी लंबा चौड़ा काम कर लिया है, तो बाद में हमें पता चलता है कि हमें जो है एक हमारे हमें हमारे से मिस्टेक हो गई है। और वो क्या हुआ है कि हमने किसी का नाम गलत लिख दिया, या किसी के नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी है, या किसी के नाम का जो वल्दियत है फादर नेम है वो गलत लिख दिया, या उसका जो लास्ट पार्ट है या शुरू वाला पार्ट है वो हमने गलत लिख दिया, यानी किसी भी तरह से, या कोई मतलब कोई लिखना कोई और लफ्ज़ था, लिख हमने कुछ और दिया, वो कई मरतबा रिपीट हो चुका है। अब इस डॉक्यूमेंट में हमें हम काउंट भी नहीं कर सकते वो कितनी जगहों पर वो यूज़ हो चुका है वो लफ्ज़, और अब वो सारा के सारा वो गलत है। अब हमें हमें पता चला कि वो तो ठीक नहीं है, अब हमने उसको करेक्ट करना है। तो ये देखिए कितना बड़ा एक मसला है, अगर हम या रिटर्न काम कर रहे हों तो ऐसे हो जाए इस तरह की मिस्टेक, तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। अगर वो कई सफ़ात पे मुश्तमल डॉक्यूमेंट हो तो फिर हमें हर एक एक लाइन को रीड करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ वो लफ्ज़ उसको कट करके नया उसकी मुतबादल जो लफ्ज़ है वो लिखना पड़ेगा, और इस तरह ये कितना सारा हमारा टाइम वेस्ट होगा, और यानी कितनी सारी हमारे लिए परेशानी बनेगी। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखने के बारे में, इंग्लिश लिखने के बारे में एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, और इसमें हर वो ऑप्शन हर वो चीज़ मौजूद है जो हमें लिखने के दौरान जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है, या जो हमें कोई मसला मसाइल दरकार पेश आ जाता है तो उसके बारे में इसके अंदर मुकम्मल हल मौजूद है। तो चलें अब हम मैं आपको वही चीज़ सिखाने लगूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमने इस पैराग्राफ, ये जो इतना पैराग्राफ है, इसमें से हमने किसी लफ्ज़ को चेंज करना जो हमने गलती से लिखा गया। हम मिसाल के तौर पे यहाँ हम कोई भी लफ्ज़ ले लेते हैं जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से एक लफ्ज़ है, देखें हेलो ऑल डियर ब्रदर्स, अब ये ब्रदर के बाद दिस इज़ माई थर्ड वीडियो, अगर मैं समझता हूँ कि थर्ड नहीं लिखना था बल्कि इसकी जगह फोर्थ लिखना था, तो अब ये मिस्टेक हो गई है कि हमने थर्ड यहाँ लिख दिया, और ये पता नहीं अब इस डॉक्यूमेंट में कितनी मरतबा लिखा जा चुका है, तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका तरीकाकार ये है, हमने कौन सा चेंज करना, थर्ड वाला लफ्ज़ जो है वो चेंज करना, और इसको किस में चेंज करना है, हम इसको चाहते हैं कि फोर्थ यानी में कन्वर्ट हो जाए, यानी ये थर्ड की जगह फोर्थ हो जाए, ये इस पूरी डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी थर्ड लिखा है वहाँ फोर्थ हो जाए। तो उसके लिए हमने ये देखें, ये मेन्यू है फाइंड एंड रिप्लेस, जो अब हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू निकल आएगा, देखें आप रिप्लेस पे भी क्लिक करेंगे तो तब भी यही मेन्यू निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये इसका फाइंड पे करेंगे तो उसका पहला ये बटन फाइंड वाला सेलेक्ट होगा, रिप्लेस पे करेंगे तो ये दूसरे वाला बटन, लेकिन ये मेन्यू किसी से भी आ सकता है, ठीक है। फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ये तीन इसमें हमारे पास बटन है। तो अब हम क्या है कि फाइंड जस्ट हमें क्या करता है कि अगर हमने जस्ट कोई लफ्ज़ तलाश करना है किसी डॉक्यूमेंट से मैं, तो वो हम यहाँ लिखेंगे, और लिखने के बाद जो है हम यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड जहाँ भी होगा वो लफ्ज़ वो जगह हाईलाइट हो जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ इधर है। जैसे मिसाल के तौर पर हम वो थर्ड इसको करते हैं तलाश, और ये हमने थर्ड लिखा, थर्ड लिखने के बाद देखें आप ज़रा इसको गौर कीजिएगा, इस पैराग्राफ को हमने थर्ड लिखने के बाद ये फाइंड नेक्स्ट ये ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये देखें ये पहली मरतबा जहाँ थर्ड है इस पैराग्राफ में उसने हाईलाइट कर दिया ये थर्ड है। उसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट पे करते हैं, अब यहाँ आ गया, फिर यानी ये जहाँ जहाँ होगा हम स्टेप स्टेप आगे लेता जाएगा, तो हमें देख सकते हैं कि ये वर्ड कहाँ कहाँ पर है। अब हम चाहते हैं कि इसकी जगह पे हम फोर्थ लिखना चाहते हैं, यानी इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो अब हम रिप्लेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जो ही रिप्लेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा फाइंड व्हाट, यानी किस लफ्ज़ को आप तलाश करना चाहते हैं, तो ये लफ्ज़ यही है जो हम थर्ड वाला इसको हमने यानी करना है, और उसके बाद कहेगा कि रिप्लेस विद के इस लफ्ज़ को आप किस लफ्ज़ के साथ बदलना चाहते हो। तो हम थर्ड की जगह फोर्थ लिखना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पर जो हम नया वर्ड लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख देंगे, हम यहाँ फोर्थ लिखते हैं, ये देखिए हमने यहाँ फोर्थ लिखा। और अब हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ हमें दे रहे हैं, एक रिप्लेस और एक रिप्लेस ऑल।
तो ये रिप्लेस अकेले का क्या काम है? रिप्लेस का है कि जो इस वक्त सेलेक्टर ने, जैसे ये वाला यानी ऊपर वाली दो लाइन छोड़ के तीसरी लाइन वाला सेलेक्ट है ना थर्ड, तो अगर हम जस्ट रिप्लेस करेंगे तो ये सिर्फ यही चेंज होगा, यानी देखिएगा वो इस थर्ड की जगह ये फोर्थ आ जाएगा, हमने रिप्लेस किया, ये देखिए वो आ गया और ये फाइन नेक्स्ट पे चला गया। अगर हम इसको भी ऐसे चेंज करना चाहते हैं, यानी स्टेप बाई स्टेप अगर हम देख देख के करना चाहते हैं, तो फिर हम ऐसे सिंगल सिंगल करके करते जाएं। अगर इसमें से किसी को मतलब ये वाला थर्ड नहीं करना, नेक्स्ट वाला करना है, तो हम फाइन नेक्स्ट करेंगे तो ये अगले पे चला जाएगा, तो फिर उसको हमने अगर करना है तो रिप्लेस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ये जहाँ जहाँ भी इस पूरी डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी थर्ड है वहाँ वहाँ फोर्थ हो जाए, तो फिर हमने क्या करना है कि फिर हमने जो है रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना। ये देखें, ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना, और आप इस पैराग्राफ में देखिए कि जहाँ जहाँ थर्ड लिखा है वहाँ सारी जगहों पे फोर्थ हो जाएगा। मैं ये क्लिक करने लगा, ये देखें, ये देखिए मैंने क्लिक किया, वो सारा हो गया, और ये हमें कह रहा है वर्ड हैज़ कम्प्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड फोर रिप्लेसमेंट, यानी कहता है कि इस पूरी डॉक्यूमेंट में वर्ड ने सर्च किया ये लफ्ज़ और उसे चार जगहों पे ये लफ्ज़ थर्ड मिला था और उसको उसने रिप्लेस कर दिया है, और ओके कर दें यहाँ से। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ थर्ड था वहाँ वहाँ फोर्थ आ चुका है, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही बड़ी कमाल का ऑप्शन है कि आप इसके कभी इसका तसव्वुर करें कि अगर आप हाथ से लिख रहे होते कोई भी रिकॉर्ड, तो उसमें ऐसी मिस्टेक हो जाती तो कितना मसला बन सकता है। अगर वो हज़ारों पेजेस के ऊपर मुश्तमल रिकॉर्ड होता तो कितनी ज़्यादा टेंशन, कितनी ज़्यादा मसाइल आपको पेश आ सकते थे। लेकिन इसकी मदद से आप किसी भी लफ्ज़ को बड़ी आसानी से तलाश भी कर सकते हैं, और अगर उसको किसी मुतबादल लफ्ज़ के साथ चेंज करना चाहें तो बड़ी आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। जिस लफ्ज़ को आपने तलाश करना है उसको यहाँ लिखें, यानी जो आपका पहला लिखा हुआ है, और उसके बदले में आप उसकी जगह जो नया लफ्ज़ लिखना चाहते हैं उसे रिप्लेस विद वाले यहाँ पे लिखें, और अगर सारी पे रिप्लेस करना है तो फिर रिप्लेस ऑल कर दें, अगर एक एक करके करना है तो फिर यहाँ पे रिप्लेस एक एक करके करते जाएं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस वाला, ठीक है। उसके बाद ये गो टू, गो टू का ऑप्शन भी बड़ा ज़बरदस्त है जी। इसमें क्या होता है कि अभी तो हमारे पास, आप नीचे यहाँ देखें ये स्टेटस बार में, कि इस वक्त हमारे पास पेज नंबर 1 of 1 है, यानी टोटल भी एक है और हम भी पहले पेज पे हैं, और ये हमें बता रहा है कि इतने वर्ड हैं, 389 यानी जो है वो वर्ड हैं इस वक्त, ठीक है। तो अगर जो है हम सपोज करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पेज होते हैं, यानी इस डॉक्यूमेंट में कोई 100 के हिसाब से या मतलब हज़ारों के हिसाब से पेज होते, तो फिर हम अगर चाहते कि हम किसी ख़ास पेज पे जाना है हमने, तो हम बजाय इसके वैसे स्क्रॉल नीचे को करते और वो हमें ज़रा परेशानी का बायस बनना था, हम फौरन जाना चाहते हैं, तो हम ये गो टू पे आएँ और ये देखें यहाँ से, ये देखें अगर आप पेज पे जाना है तो पेज अगर किसी लाइन के नंबर पे जाना है तो वो लाइन पे क्लिक कर दें और आगे वो टाइप करें, वो जिस लाइन पर आपने जाना है तो वही लाइन पर आपकी कर्सर चले जाएगी। लेकिन हम पेज पे करते हैं तो अगर हमने फ़र्ज करो यहाँ पे 5वें पेज पे जाना है, 6ठे पे जाना है, तो जो ही हम इसके ऊपर वो नंबर लिख के नेक्स्ट करेंगे तो हम फौरन उस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये एक बड़ा बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है गो टू वाला भी। यहाँ बहुत ज़्यादा पेज वगैरह हो तो आप बड़ी आसानी से अपने मतलूबा पेज के ऊपर जा सकते हैं विदाउट किसी टेंशन के, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमने फाइंड, रिप्लेस और गो टू का ऑप्शन कवर किया, और ये ऑप्शन जो है ये इधर है। उसके बाद ये एक सेलेक्ट टूल है, ये इंशाल्लाह आपको जो है जब हम इंसर्ट मेन्यू करेंगे तो उसमें आपको समझाया जाएगा इसका डिटेल से इस्तेमाल। तो ये तो था डियर व्यूवर्स हमारा होम टैब, हमने अपना ये जो होम टैब है इसको कंप्लीट कर लिया, इसके सारे ऑप्शन हमने बड़ी डिटेल से सीखे हैं। हाँ ये है कि मैंने अभी आपको ये जो कट कॉपी पेस्ट वगैरह ये चीज़ें करनी है ये मैंने आपको सिखाई हैं अभी माउस के ज़रिए ज़्यादातर, ठीक है, या इधर इस इन ऑप्शन के ऊपर अगर बोल्ड करना चाहते तो बोल्ड, इटैली करना चाहते तो इटैली, अंडरलाइन करना चाहते, यानी इन ऑप्शन से हेल्प लेके हमने की है माउस के ज़रिए। तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें शॉर्टकट के ज़रिए काम करना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिखाया जाएगा, वो एक मुकम्मल वीडियो होगी जिसमें सारे का सारा जो है वो शॉर्टकट्स के बारे में ही बताया जाएगा। तो वो वीडियो आप यानी नेक्स्ट आने वाले दिनों में आप ज़रूर देखेंगे, आप इस चैनल के साथ जो है वो आप जो एक मुकम्मल अपना रابطہ रखें, जो ही नई कोई वीडियो आती है तो आप उसे ज़रूर देखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू स्टार्ट करेंगे, इंसर्ट मेन्यू को भी सारे ऑप्शन को हम डिटेल के साथ एक एक करके जो है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपने कमेंट की शक्ल में जो हमें हम ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज मज़ीद भी लॉन्च होने वाले हैं, तो मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।